मंदारपल्ली गांव में राजू और सुब्बू नाम के दो भाई बहुत प्यार से मिलजुल के रहते थे। बड़ा भाई राजू गाय से दूध निकाल के घर घर देता था। सावित्री दीदी, महीना हो गया, दूध के पैसे नहीं दिए। 2 दिन में दे दूंगी राजू, बहुत मुश्किलों में हूँ। ऐसे कहते ही वो घर चला जाता है। खाना खा के गाय को चराने जंगल ले जाता है। इधर सुब्बू भी खाना खा के घर पर रह के मुर्गियों का ख्याल रखता है। उन्हें दाने डाल के पीने के लिए पानी रखता है। मुर्गियों को जानवरों से बचाता है। किसी को भी मुर्गी चाहिए तो वो बेचता है। उन पैसों को बड़े भैया राजू को देता है। वो बिल्कुल अपने पास पैसे नहीं रखता था। राजू उन पैसों को संभाल के रखता है। एक दिन उनका दूर का रिश्तेदार धर्मा मामा आता है। मिलजुल के रहे उन दो भाइयों को देखकर उसके दो बेटियों की शादी इन भाइयों से करना चाहा। इसके बारे में वो उनसे पूछता है। वो भी मान जाते हैं। एक अच्छे दिन राजू की शादी सुभद्रा से, सुब्बू की शादी रंगवल्ली से करता है। दोनों भाई उनके पत्नियों से खुशी से रहने लगे। एक दिन उसके पति की कमाई देखकर सुभद्रा में घमंड और अहंकार पैदा होती है। वो मालकिन की तरह रह के रंगवल्ली को नौकरानी की तरह देखती है। हर समय उससे काम करा के वो लकड़ी की कुर्सी पर बैठ के कुछ न कुछ खाती रहती है। इस तरह देवरानियों के बीच हो रहे झगड़े दोनों भाइयों तक जाके वो भी झगड़ के बात बात बढ़ के गांव के सरपंच तक हो जाते हैं। राजू उसकी पत्नी सुभद्रा की बात ही सुनता था। ठीक है, मिलजुल के तुम दोनों नहीं रहना चाहते हो तो संपत्ति पूरा आपस में बांट के अलग अलग रहो। घर को 2 भाग करके बीच में दीवार बनाओ। ऐसे कहने पर दोनों भाई मान जाते हैं। बड़े भाई की पत्नी सुभद्रा लालच से सोचकर उसके पति के कान में कुछ कहती है। तब ठीक है साहब, घर को 2 भाग करके दीवार बनाएंगे। गाय भाई को दे दीजिए, मुर्गियाँ मुझे चाहिए। मैं मुर्गियाँ पालूंगा, उन्हें बेच के अपनी जिंदगी बिताऊंगा साहब। क्या कहोगे रे सुब्बू? मेरे भैया की बात में कभी नहीं टाला साहब। ऐसे कहते ही राजू और सुभद्रा बहुत खुश होते हैं। तब राजू अपने मन में, गाय अभी दूध नहीं दे रही, वो दूध देने के लिए बहुत समय लगेगा, अरे तब तक ये पागल कैसे जिएगा। ऐसे सोचते समय उसके पति को जानबूझकर धोखा कर रहे हैं करके रंगवल्ली समझ लेती है। वो उन्हें सबक सिखाने को सोचती है। दोनों भाई सुनो, घर को 2 भाग करके मुर्गियों को बड़ा भाई राजू लेगा और छोटा भाई सुब्बू गाय को पाल के जीना है, याद रखो। अब जाओ। ऐसे कहते ही दोनों भाई उनके पत्नियों को लेके घर आते हैं। घर को 2 भाग करते हैं। एक तरफ राजू और उसकी पत्नी सुभद्रा मुर्गियों को पाल के उन्हीं मुर्गियों को बेच के खुशी से जीने लगे। इधर सुब्बू गाय का ख्याल रख के कूली का काम करके बहुत मुश्किल से जीने लगा। सुभद्रा की मुर्गियाँ हर रोज रंगवल्ली के भाग में आते थे। रंगवल्ली दाने धूप में सुखाने से मुर्गियाँ अच्छे से खाकर पूरा खराब करके जाते थे। रंगवल्ली हर रोज सुभद्रा से मुर्गियों को इस तरह मत भेजो करके कहती थी। बात सुनने के लिए वो हम जैसे इंसान नहीं है ना, वो जहाँ चाहे वहाँ जाएंगे, हमें ही सावधान रहना है। ऐसे बहुत केयरलेस से कह के चली जाती है। थोड़े दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन राजू और सुभद्रा पास गांव के मार्केट को जाकर आते हैं। घर के अंदर जाने से पहले उनके मुर्गियों के लिए सुब्बू के बगीचे में देखते हैं। वहाँ रंगवल्ली नीचे गिरे अंडों को एक कटोरी में रख रही थी। उसे देख के दोनों आश्चर्य हो जाते हैं। अरे हो रंगवल्ली, तुम्हारे पास मुर्गियाँ नहीं है ना, तो ये अंडे कहाँ से आए?
ऐसे बहुत उत्सुकता से पूछती है। थोड़ी देर पहले तेरी मुर्गियाँ यहाँ आए, शायद ये उन्हीं के अंडे हैं। ऐसे कह के उन अंडों को लेकर अंदर चली जाती है। उसे देख के राजू और सुभद्रा दंग रह जाते हैं। उस दिन से सुभद्रा उसकी मुर्गियों को रंगवल्ली के बगीचे में जाने नहीं देती। तब रंगवल्ली ने, अभी आपको समझ में आया ना, मैं उन अंडों को दुकान से खरीद के लाकर बगीचे में क्यों रखी? हाँ हाँ समझ गया, उनकी मुर्गियों की परेशानी से बचने के लिए वो आइडिया की ना। ऐसे कह के उसकी पत्नी के आइडिया की तारीफ करता है सुब्बू। थोड़े दिनों बाद सुब्बू की गाय एक प्यारी सी सफेद बछड़े को जन्म दे के दूध देने लगी। वो गाय बहुत अच्छी थी, वो हर समय अच्छे से दूध देती थी। राजू के पास रहे मुर्गी सुबह होने से पहले ही उसकी आवाज से गांव वालों को नींद से उठाती थी। हर रोज वो मुर्गी की तीसरी आवाज से सुब्बू नींद से उठ के दूध निकालने शेड में जाता था। सुब्बू की दिनचर्या देखकर सुभद्रा को एक बुरी सोच आती है। उसके सोच को उसके पति को बताती है। राजू बहुत खुश होता है। अगले दिन सुभद्रा मुर्गी की पहली आवाज से उठ के जल्दी से दीवार कूद के शेड में रही गाय से दूध निकाल के फिर से वापस दीवार कूद के घर के अंदर चली आती है। लेकिन सुब्बू को ये सब पता नहीं। वो मुर्गी की तीसरी आवाज से उठ के गाय के पास आता है, पर गाय दूध नहीं देती। सुब्बू को कारण समझ में नहीं आया और सोच में पड़ जाता है। ऐसे दिन बीतते गए। ये पूरा विषय उसकी पत्नी रंगवल्ली को बताता है। एक दिन रात को रंगवल्ली खुद पहरा करके रात भर बिना सोए ध्यान से देखने लगी। मुर्गी की आवाज आते ही एक औरत दीवार कूद के सीधा गाय के पास जाकर जल्दी से दूध निकाल देती है। उसके बाद वापस वो दीवार कूद के पड़ोस घर के अंदर चली जाती है। रंगवल्ली को ये सब देखकर पूरा समझ में आ जाता है। हर रोज दूध निकाल के ले जा रही सुभद्रा को सही सबक सिखाने को सोचती है। अगले दिन रात को सब लोग सो जाने के बाद रंगवल्ली एक गधे को लाकर गाय के जगह बांध देती है। उसकी पत्नी क्या कर रही है सुब्बू को कुछ समझ में नहीं आता। हरा भरा घास डालती है। अगले दिन सुबह मुर्गी आवाज देती है। रंगवल्ली उसके पति को नींद से उठाती है। सुभद्रा दीवार कूद के सीधा गाय के पास जाती है। जल्दबाजी में बिना कुछ देखे ही दूध निकालने बैठ जाती है। सुभद्रा ऐसे बैठते ही बस जोर से लात मारती है गधा। अरे बाप रे! ऐसे कह के दूर जाके गिर जाती है। उसकी चीख से गधा डर के सुभद्रा को फिर से लात मारने लगी। सुभद्रा रंगे हाथ पकड़ी जाती है। उसके गलती के मुआवजे में एक हफ्ता तक सुब्बू के घर में मुफ्त में उसे काम करना पड़ा। सुब्बू उसकी पत्नी की बुद्धिमती की बहुत तारीफ करता है। एक गांव में वीरैया नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत ही आलसी था। परदादाओं की संपत्ति उसके आलसीपन से बिना काम किए सिर्फ खाते रहना और पीते रहने पर 100 एकड़ों की उसकी जमीन 1 एकड़ बन जाती है। उसमें भी खेतीबाड़ी न करने पर वो जमीन भी बंजर बन जाती है। वीरैया की पत्नी कांता हर रोज काम पर जाकर घर चलाती है। वीरैया आराम से देर से उठ के ऐसे कहने लगा, कांता कांता कहाँ हो, जल्दी आओ ना। ऐसे कांता को बुलाने लगा। वीरैया की आवाज सुन के कांता जल्दी से भाग कर आके वीरैया के पास आती है। क्या हुआ जी, क्यों चिल्ला रहे हो, ऐसे पूछती है। तब वीरैया ने, कांता बहुत गर्मी लग रही है, जरा पंखा चलाओ ना। तब कांता गुस्से से, क्या पंखा चलाने के लिए मुझे बुलाए, आप खुद स्विच डाल सकते हो ना। अभी ऊपर उठने से मेरी नींद खराब हो जाएगी कांता, जरा प्लीज पंखे का स्विच डाल दो, वो कोई भारी काम नहीं है ना कांता। इस घर में सभी काम मुझे ही करना पड़ रहा है, आपके आलसीपन से मैं थक गई जी,
अभी ऐसे कह रही हो, पर तू तो अपनी मर्जी से मुझसे शादी की ना? हाँ जी, आपके रिश्तेदारों ने आपकी बहुत तारीफ किए, कह रहे थे आपको किसी भी तरह की बुरी आदतें नहीं है और घर छोड़ के कहीं नहीं जाओगे, इसीलिए आपसे शादी की। मुझे क्या पता घर छोड़ के नहीं जाओगे मतलब इतने आलसी से रहोगे करके। खैर छोड़ो खांता, मेरे पैर की उंगली पर खुजली हो रही है। अभी मैं ऊपर उठ नहीं सकता कांता, जरा तुम ही खुजल देना प्लीज। ऐसे वीरैया पूछता है, तब कांता गुस्से से, जरूर करूंगी जी, उंगलियां रहने से खुजली होगी ही, तो इन्हें काट देने से अच्छा रहेगा। ऐसे कह के कांता चाकू लाने रसोई घर में जाती है, तब वीरैया डर के ऊपर उठ जाता है। बाप रे, इसके हाथ लगने से हमारा काम खत्म हो जाएगा। वीरैया बाहर चला जाता है, तब वीरैया का दोस्त सुधाकर उसे देख के, अरे हो आलसी वीरैया, और कितने दिन ऐसे आलसीपन से बिना काम किए रहोगे रे? बिना काम किए कौन है? सुबह 10 बजे उठता हूँ, चाय पीता हूँ, नहाकर कपड़े पहनता हूँ, तब तक बहुत थक कर सो जाता हूँ, दोपहर में उठकर फिर से खाना खाता हूँ, पेट भरने के बाद फिर से सो जाता हूँ, शाम होने के बाद घर में इधर उधर घूमता हूँ, भूख लगने से कुछ ना कुछ खाके उसके बाद सो जाता हूँ, अभी बताओ रे मैं खाली कहाँ हूँ? ऐसे वीरैया कहता है। वीरैया की बातें सुन के सुधाकर वीरैया को ऊपर से नीचे तक देखता है। खाना खाना भी कोई काम है वीरैया? ऐसे कह के वहाँ से चला जाता है। जा रहे सुधाकर को देख के, सुधाकर सुनो ना यार, ऐसे वीरैया बुलाता है। क्या वीरैया? और कुछ नहीं रे, तुझसे बात करते समय मेरी अंगूठी नीचे गिर गई, जरा निकाल के देना, मेरी कमर पकड़ ली। ऐसे वीरैया कहता है। सुधाकर मन में वीरैया को शपथ लगाकर, अरे इसको तो छे चुपके अंगूठी भी नहीं ले सकता। सुधाकर अंगूठी निकाल के देकर चला जाता है। वीरैया की आलसीपन से कांता थक के उसे सबक सिखाने के लिए वीरैया से झगड़ के उसके मायके के घर चली जाती है। उस दिन से वीरैया को खाने को कुछ नहीं रहता। बाहर जाके काम करने के लिए वीरैया की आलसीपन से लोग उसे काम भी नहीं देते। एक घर के बाहर वीरैया को वॉचमैन का काम मिलता है, पर वो दिन भर सोए रहने पर वो काम से निकाल देते हैं। तब वीरैया को काम नहीं मिलने पर उसके 1 एकड़ की जमीन पर खेती करने को सोचता है। उसकी जमीन खुदाई करते समय जमीन में उसे कुछ लगती है। तब वीरैया उस जगह अंदर तक खुदाई करने पर उसे सोने से भरे कटोरे मिलते हैं। वीरैया उन कटोरों को छुपके से घर लाकर खोल के देखता है, उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के रहते हैं। कांता को यह विषय पता चलता है। देखी कांता, इतने दिन तू मुझे आलसी कहती रही, अभी क्या कहोगी कांता? हाँ, आपके आलसीपन से ये सब खत्म मत कीजिए, ऐसे कहती है। वीरैया को सोने के सिक्के मिले करके एक दूसरे से उसके दोस्त सुधाकर को पता चलता है। वीरैया हम क्या गलती किए रे, दिन भर मेहनत करने पर भी हमें ये भाग्य नहीं मिला। तू तो बहुत आलसी है पर तू भाग्यशाली बन गया, आज से तू आलसी वीरैया नहीं भाग्यशाली वीरैया है। वीरैया बहुत खुश होके वहाँ से चला जाता है।